मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम नहीं है? प्रश्न आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? तो आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की हैं? सुना हुआ है। तो गिनती नहीं सुने? नहीं। हम बता दें, 16,000, बोलो 16,000, 16,000, 100, 108, 8। अब पूछो कि इतने शादी क्यों की हैं? अब फिर से पूछो, इतने शादी क्यों की है? इसलिए की हैं क्योंकि 16,000 जो हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 कौन हैं? वेद। वेद जानते हैं, वेद पुराण सुना? वेद, चार वेद हैं, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सुना? तो वेद की ऋचाएं हैं 16,000, 108 उपनिषद हैं। 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं वो प्रत्येक ऋचा से कृष्ण को पाया जा सकता है। तो वेद की ऋचाएं कृष्ण का वर्ण करती हैं पति के रूप में, इसलिए भगवान का जो विवाह 16,108 का है वो वेदों की ऋचाओं का विवाह है। मैं समझ। माननीय जैकी नाई जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7-8 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपा आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है? जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते हैं मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की, ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 8 पहले थे तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए तो उस हालात में, तो ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में 1 अरबी की आयत की तलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तलावत की और 1 संस्कृत की तलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मजाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे।
उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज़ों ने दिया, ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म, ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना, अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम अद्वितीयम, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है। श्वेता श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कश्चिज जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है उसका, ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसका ना कोई अक्ष है ना कोई बुत है ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असमुति मुपास्ते, अंधात्म मीन अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा आग पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल चेयर गाड़ी बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, वो श्लोक जो उनने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते आदि पढ़ी, पूरी है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है।